Bismillahirrahmanirrahim. Great line. Assalamu alaikum. Today we study about the midpoint formula. So what is midpoint formula? A line, the midpoint formula of a segment which endpoint x1 comma y1 and x2 comma y2 has the following coordinate. So x1 plus x2 divided by 2 and y comma y1 plus y2 divided by 2 is a midpoint formula. Now find the midpoint. For example, x. अब ये आपको देखो mid point कैसे find out करते हैं, mid point formula हम क्यों use करते हैं, किसी भी दो variable या किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में distance find out करने के लिए. मतलब कि अब हम लोग देखते हैं कि इनका mid value है. अब mid है. अब जैसे अगर आप देखो तो ये line है आपके पास, ये जो आपको ये नज़र आ रही है, इसमें ये इसका mid point है, ठीक है. ये first point है एंड देन दिस इज़ अ एंड पॉइंट. तो अब इनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस इनके दरमियान में क्या है. अगर हम लोग के पास ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से इस फर्स्ट पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, और इस पॉइंट का इस तक का डिस्टेंस सेम होगा. तो इससे फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. सिमिलरली इन y कोऑर्डिनेट में जब हम बात करते हैं, y एक्सिस की बात करते हैं, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. अब इससे रिलेटेड एग्जांपल हमें गिवन है कि x की वैल्यू आपको गिवन है x1 और y1 है 4 और 1, और x2 और y2 आपको गिवन है 1 एंड 5, 10 एंड 5. सो पुट वैल्यू. सो x इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू 10. तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14. तो 2 1 इज 2 एंड 2 7 इज 14. मीन्स कि x कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी. सिमिलरली y की वैल्यू पुट की तो 1 प्लस 5 एंड 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. तो 2 1 इज एंड 2 3 इज 6. तो 7 और 3 हमारे पास वैल्यू आ गई. अब इससे रिलेटेड हम लोग इससे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट गिवन विद द गिवन एंड पॉइंट. ठीक है, एंड पॉइंट आपको गिवन है और आपने फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट, और वो किससे फाइंड आउट करने हैं, मिड पॉइंट फार्मूला से. सो व्हाट, फर्स्ट लेट ए इज इक्वल टू 8 एंड माइनस 5. सो x1 इज इक्वल टू 8 एंड y1 इज इक्वल टू माइनस 5. सिमिलरली सेकेंड बी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 9. सो x2 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y2 इज इक्वल टू 9. सो लेट सी इज इक्वल टू सी इन टू एक्स कॉमा वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. देन ए देन बाय द मिड पॉइंट फार्मूला. सो वाई इज एक्स सी इन टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दीज. x1 इज इक्वल टू 8 एंड x2 इज इक्वल टू माइनस 2. तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6. एंड सिमिलरली y1 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 9. तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. सो 2 1 इज 2 एंड 2 3 आर 6 आ जाएगा. सिमिलरली 2 1 इज 2 एंड 2 2 आर 4. सो नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 3 एंड वाई. सो एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 2. सो रिमेनिंग पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, रिमेनिंग पार्ट इज योअर होमवर्क.